आदाब नमस्कार, मैं हूं नाजिश रजा। आपका स्वागत है केपी न्यूज 24x7 में। पूर्व मंत्री और विधायक के एस ईश्वरप्पा ने कहा है कि सिविल ठेकेदार संतोष की खुदकुशी के मामले में उन्हें क्लीन आउट होने का भरोसा है। ईश्वरप्पा को ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनका नाम संतोष के आत्महत्या से जुड़ा था। ईश्वरप्पा ने कहा है कि मामले की जाँच करने वाली पुलिस ने बी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने पद से इस्तीफा दिया था। ईश्वरप्पा ने यह भी कहा था कि कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने सच कहा है और कांग्रेस पार्टी को भाजपा की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सोनिया गांधी पर ईडी के मामले के विरोध के दौरान ईश्वरप्पा ने दावा किया कि पार्टी के नेताओं ने गांधी परिवार के नाम पर पर्याप्त पैसा कमाया।